नमस्कार, हिंदुस्तान टुडे देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ भूमिका। आइए देखिए खबर। दतिया जिले के ग्राम देवरा में महिला के साथ छेड़छाड़ का सनसनीखेज मामला सामने आया। उमाशंकर कुशवाहा ने बताया कि 12 अप्रैल को 5 बजे उनकी पत्नी कृषि कार्य से बाहर गई थी। उसी बीच गांव के ही गजराज दांगी ने उनकी पत्नी को थप्पड़ मारा और उसे जमीन पर पटक दिया, जिसका विरोध उमाशंकर ने किया तो गजराज दांगी ने लाठी से उसे भी मारा, जिससे आंख के पास गहरी को चोट आई है। और बाद में मामला ज्यादा बढ़ने के बाद गजराज दांगी और सतीश दांगी ने उमाशंकर और उसकी पत्नी को ट्रैक्टर से कुचलने का प्रयास किया, लेकिन वहां में पास में खेतों में काम कर रहे लोगों ने बचा लिया। उक्त घटना को लेकर जब पीड़ित दंपति सरसई थाना पहुंचे, लेकिन सरसई थाना प्रभारी ने उनकी शिकायत ना दर्ज करते हुए उन्हें थाने से हड़का कर भगा दिया। इसके बाद 14 अप्रैल को जब उमाशंकर अपनी पत्नी और अपने साले के साथ उक्त घटना का आवेदन देने दतिया एसपी ऑफिस गए, लेकिन वहां पर उपस्थित शिकायत शाखा प्रभारित ने आवेदन ले लिया और लेकिन कोई प्राप्ति नहीं दी। इसके अगले दिन सरसई थाना प्रभारी ने पीड़िता को धमकाया और पीड़िता के भाई भगवान दास कुशवाहा को धमकाते हुए कहा कि मामले को वापस ले लें, नहीं तो अभी लॉकडाउन चल रहा है, जेल भेजकर रहूंगा और फट्टा बनाऊंगा और तेरी कोई सुनेगा भी नहीं। जिसके चलते आज फिर से उमाशंकर और उसकी पत्नी और भगवान दास कुशवाहा दतिया एसपी ऑफिस गए और शिकायत शाखा प्रभारी से काफी नोकझोंक के बाद आवेदन स्वीकार किया और उसकी प्राप्ति दी। भांडेर ग्रामीण क्षेत्र से महेंद्र सिंह कुशवाहा की रिपोर्ट। जी बताइए, क्या नाम है आपका? भगवान दास। जी बताइए, क्या समस्या है? जी समस्या है कि साहब जी रोकने रोज ना रोकने टोक भी नहीं आता है। कौन? दरोगा जी। क्यों? हम लड़ाई की झगड़े में हम वहाँ में हैं नंजा और रिश्तेदार थे उनकी, वहाँ में गई थी रिपोर्टर पार्टी में, सब हमसे कहता तू क्यों आता है, नेतागिरी करता है। किसकी लड़ाई हुई थी? हमारी बहनी साहब की। कहाँ पर? देवरा। हाँ जी, फिर? फिर लड़ाई होने सो जो बहन ने हमारी बहन को पटक दिए, छोड़ छाड़ किए है, सो जाके घर के गए थे। कहाँ पर गए थे? थाने पर। फिर थाने पर गए, थाने पर गए सो बोले तो क्या नेता है, क्या करता है, काय घुमाया है। तो फिर उन्होंने अभी FIR की नहीं की? नहीं की, नहीं दी। कितने दिन हो गए हैं लड़ाई हुए? 12 तारीख। कह रहे थे कि फट्टा बजा दे। किस बात पे बजा देंगे फट्टा? तू नेता गिरता है ज्यादा, लॉकडाउन है, फट्टा बजा दूंगा। कल इसने खदेड़ा है 1 किलोमीटर कम से कम हार में। अच्छा, क्या कह रहे थे? कहते तेरे को जेल भेज दूंगा, लॉकडाउन चल रहा है अभी। उमाशंकर जी बताइए, क्या समस्या है? देवरा में मेरी पत्नी हार गई हम खेत पर जी, गजराज सिंह दांगी उसके साथ बलात्कार करने की सोच रहा था जी। मैं उस वहां पर पहुंचा, उसे मारपीट करने लगा मैं पहुंचा, मेरे को डंडा मारा उसने। मारपीट किसने की? गजराज सिंह दांगी ने। किस किस को मारा? मेरे को मारा, मेरी पत्नी को मारा, बलात्कार करने की सोची उसकी मारपीट से कई मिनट उसको पकड़े रहा और मैं पहुँचा तो उसने का लड़का आ गया, उसको ट्रैक्टर मेरे ऊपर चढ़ाना चाहता था, मेरी पत्नी को जान से मारने के चाहता था, जान से मारने की धमकी दे रहा था। फिर कुछ लोग मैं चले आना, मेरी पत्नी चले आनी, कुछ लोग उधर से आए, सुबह ने पास थे सुबह ने बीच पर का हम लोगों की जान बचाई। मैं वहाँ से भाग कर थाना प्रभारी के पास आया, थाना प्रभारी की रिपोर्ट लिखाया, मैं 2 दिन वहाँ चक्कर काटा, वो उनके दबाव में गए थे। किस थाने गए? सर सही थाने गए थे सर, भाई उसके दबाव में थे, उसने थाना प्रभारी में 2-3 बार गया, अब इन्होंने मेरी कुछ नहीं सुनी। मैं दतिया एसपी के साथ पास आया साहब के पास, मैंने उनको एप्लीकेशन लगाई 14 तारीख में जी, फिर भी सुनाई नहीं हुई। फिर मैं दोबारा गया, तब उसने उनने मुझको प्राप्ति दी जी उनके लोगों ने। थाना प्रभारी क्या कह रहे हैं सर? तुझे सर थाना प्रभारी ये कहता है कि राजीनामा कर लो ना तो तुझको मैं पकड़ के थाने में ले जाऊँगा। ठीक, दबाव में काम दबाना चाहता है, धमकाना चाहता है हमको।